गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू किड्स हेवन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास एंड टुडे वी विल रिसाइट अ ब्यूटिफुल पोएम एंड द नेम ऑफ दिस पोएम इज आफ्टर अ बाथ. यूनिट सेकेंड चैप्टर थ्री आफ्टर अ बाथ. ओके बच्चों, दिस पोएम इज रिटन बाय एलियन फिशर. इन दिस पोएम द चाइल्ड इज टेलिंग दैट वॉट डज ही डू आफ्टर टेकिंग अ बाथ. ये जो हमारी पोएम है इसमें एक छोटा सा बच्चा है वो हमें बता रहा है कि जब वो नहाता है तो नहाने के बाद वो अपने आप को कैसे साफ़ करता है, यानी कि अपने आप को कैसे सुखाता है और उसके मन में जो है वो क्या क्या बातें चल रही हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम. आई होप यू इन्जॉय दिस पोएम. ओके, यू ऑल लिसन वेरी केयरफुली. आफ्टर माई बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई. Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I did take if I were a dog and could shake shake shake. अब ये जो पोयम है इसमें ये बच्चा जो है वो देखो क्या कह रहा है. आफ्टर माई बाथ आई ट्राई 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 कि जब मैं नहाता हूँ तो नहा लेने के बाद मैं कोशिश करता हूँ टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई. मैं अपने आप को तब तक साफ़ करता हूँ जब तक कि मैं अच्छी तरह सूख नहीं जाता. देखो दिख रहा है ना, जो हमारी जो पिक्चर में देखो आप, इसमें जो है बच्चा जो है वो अपने आप को टॉवल से कैसे साफ़ कर रहा है. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज़, वो क्या करता है अपने हाथों को साफ़ करता है, अपने मतलब अपने हाथों को पोंछता है, अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को, एंड टू वेट लेग्स, और अपने दो पैरों को, यानी गीले पैर जो होते हैं उसके, अपने दो गीले पैरों को, एंड अ शाइनी नोज, और एक चमकती हुई नाक को. जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई डिड टेक, वो कहता है बच्चा कि ज़रा सोचो कि अगर मैं जो हूँ, जैसे मतलब मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ ना अपने आप को साफ़ करने में, कि मैं कितना कम टाइम लगाता इफ़ आई वर अ डॉग, अगर मैं एक कुत्ता होता. एंड कुट शेक शेक शेक, और मैं क्या करता अपने आप को शेक कर 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 जो है मैं सुखा लेता. आपने देखा होगा ना जो डॉग है जब वो भीग जाते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो अपने आप को ऐसे ऐसे शेक करके हिलाते रहते हैं और हिल हिल के जो है वो अपने आप को सुखाते हैं. तो वो बच्चा भी सोच रहा है कि काश वो भी एक डॉग होता, वो अपने आप को बहुत जल्दी से सुखा लेता. कैसे सुखाता, अपने आप को वो ऐसे शेक कर कर कर. ओके, सो बच्चों आज की हमारी ये पोएम थी आफ्टर अ बाथ. आप लोग इसको दो तीन बार अच्छे से रीड करेंगे. एक बार मैं दोबारा से आपको इसको रीड करके सुनाती हूँ. देखो कैसे रीड करते हैं. आफ्टर माई बाथ आई ट्राई 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 टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज. जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई डिड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक शेक शेक. ओके, थैंक यू. And have a nice day.